नमस्कार, आज की रेसिपी है रान तंदूरी। आप लोग को बताएंगे तंदूर में रान कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, रान को हम पहले बॉईल कर रहे हैं, मटन रान है, इसको कम से कम 2 घंटा बॉईल करेंगे, अच्छे से पक जाना चाहिए। देखिए, हम इसको पकने के लिए डाल दे रहे हैं, 2 घंटा पकेगा, उसके बाद आप लोग को बताएंगे मसाला कैसे बनाया जाता है। देखिए, रान बॉईल होकर रेडी हो गया, अब आप लोग को बताएंगे इसका मसाला कैसे। देखिए, रान एकदम अच्छे से पक गया है, एकदम रान गल जाना चाहिए। अब इसका मसाला बताएंगे आप लोग को कैसे बनाया जाता है। देखिए, हम मसाला आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, धनिया पाउडर, किचन की चाट मसाला, जीरा पाउडर और तंदूरी मसाला, उसमें थोड़ा सा दही दे दिए। अब इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए, मसाला को मिक्स किए हैं, अब इसको हम रान में लगाएंगे। एकदम अंदर तक मसाला लगना चाहिए। देखिए, मसाला कैसे लगे, एकदम अंदर तक मसाला जाना चाहिए। देखिए, देखिए, मसाला लगा के रेडी कर लिए हैं, अब इसको हम सरिया में लगा के पकाएंगे। देखिए, सरिया में कैसे लगाते हैं, ये देखिए, अब सरिया में इसको लगाएंगे। देखिए, सब्जी हम लगा लिए हैं, अब आगे से ये बटाटा आप लगा दीजिए, क्योंकि जब रान तंदूर में डालेंगे तो गिरे ना, सरके ना, इसी वजह से इसको सपोर्ट के लिए लगाते हैं। देखिए, अब इसको हम तंदूर में लगाएंगे, तंदूर में इसको पकाएंगे। इसको पकाने के लिए कम से कम 20 मिनट पकेगा, क्योंकि रान को हमने बॉईल कर लिया है ना, ये मसाला पकने के लिए 20 मिनट तक आप पकाइए अच्छे से। ये देखिए, रान पक के एकदम रेडी हो गया। देखिए, एकदम अच्छे से पक गया है, ब्राउन हो गया। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिए और हमको कमेंट में बताइए कैसा बन रहा है। जो भी नहीं मालूम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं।